विधानसभा स्थगित हो गई थी तो सब लोग निकलते हैं, हम भी निकले। हम चूंकि स्लो चलते हैं तो धीरे धीरे आ रहे थे पीछे, बीजेपी वाले एमएलएज निकल के सामने आ गए थे प्रेस के, तो प्रेस के सामने बैठ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे जो भी कह रहे हो। हम लोग गेट पे खड़े रहे विधानसभा के 10-15 मिनट, तो हमने देखा ये प्रेस अभी खाली नहीं हो रही है, तो फिर मैं वहां से लेफ्ट साइड जो प्रेस रूम है उस तरफ चल दिया, और प्रेस ने किसी ने मेरे से पूछा तो मैंने इशारा कर दिया कि प्रेस रूम में आ जा। जैसे ही प्रेस रूम की तरफ हम बढ़े, वो एक स्टेप चढ़े, रेलिंग क्रॉस किया, इस बीच में पता लगा कि पीछे से मेरे को धक्के लग रहे हैं, तो मैंने सोचा हमारी पार्टी के एमएलए होंगे, फोटो खिंचवाने के चक्कर में दे रहे होंगे, मेरे लिए सहनीय धक्के थे, लेकिन पता लगा कि बीजेपी के एमएलए धक्के दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ा तो मेरी ये पसली में एक बहुत तगड़ा धक्का लगा जिससे पसली में पेन हो गया, और मैंने हाथ छूट गए, जो लोग पकड़े थे वो विधायकों के मेरे, मैंने हाथ छोड़ के पलट के पीछे देखा और कि ये इतना धक्का, मेरे को धक्का कम ठूसा ज्यादा लगा, जैसे कोई मुक्का दे या कोई कौंडी मारे। सो मेरे को दर्द असह नहीं हुआ, मेरे मुंह से बड़ी गुस्सा में टिप्पणी निकली, मुझे याद भी नहीं है क्या निकला, पर मैंने पलट के देखा तो एक टोपी वाला विधायक था, वो बताया कि ये सुदर्शन गुप्ता है, एक कोई पटेल एमएलए था इंदौर का और दो और एमएलए थे, तो ये पटेल और सुदर्शन गुप्ता इसमें से किसी का ठूसा लगा क्योंकि ये ज्यादा निकट थे, और मैं ऐसे लेफ्ट घूमा। मैं जो उस समय बोला तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत यहां नहीं, जो हम आगे बढ़ गए तुमको छोड़ के, तुम अपना काम करो प्रेस के सामने। तो फिर ये लोग भग गए, पीछे हटे और भगे, और मीडिया भी थी, सब लोग देख रहे थे, सारे लोगों ने देखा भी समझा भी। फिर मैं आपको लगता है जानबूझकर आपके ऊपर जानबूझ के अटैक किया गया, जानबूझ करके 101%।